ठीक है ये मॉल की भी अंदर बेसमेंट पार्किंग है लेकिन वो चालीस रुपये प्रति घंटा है तो ये बढ़िया है बाहर लगा दें आप ये देख लें दिस इज़ द पार्किंग स्पेस ठीक है तो मैंने यहीं पास में लगा दी थी मैं जैसे ही लगाने लगा तो मतलब एक गाड़ी निकल रही थी मैंने वहीं लगा दी फटक से गड्डी मेरी सामने ये मॉल है हम है सिटी सेंटर मॉल सेक्टर बारह द्वारका दिल्ली में ठीक है दिस इज़ द सिटी सेंटर मॉल जो वेगस मॉल है वो भी इन्हीं का है तो दोनों मालिक सेम है उनके ये पुराना है इसके बाद बना था वेगस मॉल जो कि सेक्टर चौदह में स्थित है हालांकि ये सेक्टर बारह में ये आप देख सकते हैं किंग्स कुल्फी के साइड में है वाव मोमोज ठीक है तो मैं आई हैव नेवर बीन टू वाव मोमो मैं कभी नहीं आया यहाँ पे खैर ये नॉर्मल सी फ्रेंचाइजी होती है कि ओस होता है ज़्यादातर खोखा होता है इनका एक कहीं ना कहीं फ़ूड कोर्ट में या शॉप होती है एक फूड कोर्ट में ये इनका मेन्यू है आप स्टॉप करके स्कैन कर सकते हैं जूम इन कर सकते हैं आप पता ही आपको जूम इन होता है अब यूट्यूब में तो दिस इज़ द मेन्यू फिजिकल मेन्यू नहीं होता इनके पास इसी टाइप का था तो आप देख सकते हैं तो मैंने एक्चुअली मैं आया तो था खैर चॉकलेट मोमो ट्राई करने लेकिन वो सिक्सटी रुपीज़ का एक पीस देते हैं आप साठ रुपये था एक पीस चार पीस आपने दो सौ रुपये के पड़ते हैं तो फिर बस मेरा दिल नहीं गया मुझे लगा यार पता नहीं खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा भाई एक पीस तो क्या ऑर्डर करूँ वाइफ का दिल नहीं था खाने का उनको बर्गर खाने थे बर्गर किंग के तो मैंने कहा चलें ठीक है एक काम कर दें एक प्लेट नॉर्मल हिमालयन मोमोज़ कर लेते हैं जिसमें पाँच पीस आते हैं नाइन्टी नाइन रुपीज़ तीन चार रुपये टैक्स लग के एक सौ चार रुपये का बिल हो जाता है ठीक है और एक प्लेट मोमो आ जाते हैं तो मैंने बोला चलो मोमो शोमो खाते हैं ज़रा एक प्लेट आज और साथ में फिर बगर शगर खा लेंगे वाओ मोमो पर कभी आए नहीं मेरे को अच्छा लगता है नई नई जगहों पे जाना सारी चीज़ें ट्राई करना कम से कम पता तो चलेगी यार अच्छा वाओ मोमो के मोमो ऐसे होते हैं क्या बात है ये मेरी बीवी बच्चे बैठे हुए जियाना की नज़र आई है एस्केलेटर पर वो कह रही पापा ये क्या है ये क्या है ये मैंने अभी बिल पे कर दिया वाओ मोमो का एक सौ चार रुपये का बिल है एक सौ तीन पॉइंट नाइन सिक्स सौ मैं बस वेट कर रहा था जल्दी से मेरा ऑर्डर आ जाए दो चार मिनट लग गया ऑर्डर आने में बट दिस द ऑर्डर ये नाइनटी नाइन रुपये मतलब तो सौ रुपये की मोमो की प्लेट है थोड़े से इसमें पाँच पीस मोमो बड़े गर्म गर्म थे पहले मैंने बोला खा लेता हूँ फिर बर्गर लेके आता हूँ लेकिन इतने गर्म थे वो खा ही नहीं गए तो मैंने बोला चलो बर्गर ले आता हूँ पहले फटक से जाके आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी संडे बींग संडे तो खाली सा था फटक से बर्गर ले आए अभी हमने दोनों ने एक एक बर्गर खाना है और ढाई ढाई मोमो खा लेने ठीक है ये हमारा बस हो गया था पेट पूजा मतलब स्नैक्स टाइम वीडियो बनाने आता हूँ मैं तो घूमने फिरने थोड़ा सा कुछ खा भी लेते हैं अब बिना खाए पिए तो क्या वीडियो बनाना जगह का खासतौर से खानों की जगह का तो थोड़ा सा ये जियाना मेरी प्यारी सी बच्ची जियानो किसी दे दे यार एक पापा को मजा आ जाए जरा वीडियो खूबसूरत हो जाए पापा तो किसी हो जाए अये आये क्या बात है क्या बात है